अगर विकास किया होता तो जनता सड़क पे लाती क्या? वो सीधी सी बात है, काम कुछ किए नहीं तो जनता ने सड़क पे ला दिया। तो इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं कि विकास किसने किया। विकास अगर किया होता तो आज ये हाल नहीं होता। रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। और बड़ी बड़ी बात करने के लिए लोग आके करते हैं, शर्म आनी चाहिए लोगों को कि बात ऐसी करें जो लोगों के समझ में आए। एक आंदोलन की देवी ममता देवी को षड्यंत्र करके जेल भेजा गया है और उसका बदला ले के रहेंगे। एनडीए ने लागू किया था क्या, कभी कोई इस तरह का प्रयास किया था? जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, राजनीति है। सब लोग अपने अपने चुनाव के चक्कर में झूठ सच बोलते रहेंगे। हम लोगों ने करके दिखाया है। 1932 का खतियान लाया और सभी जगहों पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। 25,000 से वो जो जीती थी, 50,000 से जिताने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो सभा को संबोधित भी कर चुके। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। हम इन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो सभा को संबोधित किया है, कितने कॉन्फिडेंट है इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी और 2-4 सभा करेंगे निश्चित रूप से। जब रामगढ़ के लोग ममता देवी के साथ हैं तो निश्चित रूप से हमारे गठबंधन के साथ विधायक थी, कांग्रेस की विधायक थी, तो हम लोगों का साथ होना स्वाभाविक है। और मुख्यमंत्री जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सभा करें और जो लोगों में एक आक्रोश है उसको हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। जो और निश्चित रूप से आंदोलन की देवी ममता देवी को जो आगे लेकर के चल रही थी विस्थापन की लड़ाई, उसको आगे लड़ना है तो विधायक भी बनाना है। लोगों ने मन बना लिया है, अब पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है, इसलिए हम जिम्मेदारी का सिर्फ निर्वहन कर रहे हैं। या यूं कहिए कि 25,000 से वो जो जीती थी, 50,000 से जिताने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगातार एनडीए ये कहती भी नजर आ रही है कि एनडीए ने विकास का कार्य किया, चाहे हम लोग आजसू की बात करेंगे या फिर बीजेपी की। लगातार वो लोग दावे भी कर रही है कि यूपीए ने कुछ नहीं किया, चाहे हम लोग कांग्रेस की बात कर लेंगे या फिर जेएमएम। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 3 साल पहले उनको जनता ने सड़क पे लाने का काम किया। अगर विकास किया होता तो जनता सड़क पे लाती क्या? वो सीधी सी बात है, काम कुछ किए नहीं तो जनता ने सड़क पे ला दिया। तो इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं कि विकास किसने किया। विकास अगर किया होता तो आज ये हाल नहीं होता। रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। और बड़ी बड़ी बात करने के लिए लोग आके करते हैं, शर्म आनी चाहिए लोगों को कि बात ऐसी करें जो लोगों के समझ में आए। लोगों के बात एक ही बात समझ में आती है कि आंदोलन की देवी ममता देवी को षड्यंत्र करके जेल भेजा गया है और उसका बदला ले के रहेंगे। लेकिन 1932 को भी लेकर यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूपीए सिर्फ वोट मांगने के लिए 1932 की बात यहाँ पर कर रही है, आप इसको किस रूप से ले रहे हैं? एनडीए ने लागू किया था क्या, कभी कोई इस तरह का प्रयास किया था? जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, राजनीति है। सब लोग अपने अपने चुनाव के चक्कर में झूठ सच बोलते रहेंगे। हम लोगों ने करके दिखाया है। 1932 का खतियान लाया और सभी जगहों पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ, तो ये समझने वाली बात है। कहीं हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, तो ये तो अब झारखंड के लोगों ने मूड बना लिया है तो वो तो आएगा ही। चलिए, एक आखिरी सवाल कि कितने कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? कॉन्फिडेंट आप चेहरा पढ़ते होंगे तो आप जानते हैं कि। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास मुद्दा है और मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और तमाम लोगों को बताएंगे कि आखिर सरकार ने क्या कार्य किया है, आखिर ममता देवी ने किस तरीके से विकास का कार्य यहाँ पर किया है। तो इनका कहना है कि हम लोग फुल कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रामगढ़। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।